एक सिग्नेचर की जरूरत है और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे नहीं नहीं मैं सेल्स मोकर हूँ तो सेल करनी होती है सिगरेट पी लेती हूँ डोंट टेक मी रॉन्ग कंपनी की पॉलिसी है हमें अपना स्टेटस सिंगल शो कराना पड़ता है तो और क्या मैं भी तो लाखों में एक हूँ ना बस आप क्लाइंट को हमारे मुँह पे करा दें जो बिकवाना हो बेच दूँगी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लीजिए मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है उमर स्लीम अनस्क्रिप्टेड के नाम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो हम शेयर करने वाले हैं ब्लूपर्स बिहाइंड द सीन्स और इनडोर आउटडोर एक्टिविटीज हमारे स्टूडियो की पॉडकास्ट की और साथ में मजे के व्लॉग्स अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलते हैं मेन वीडियो पर असला दोस्तों वेलकम टू पॉडकास्टिंग और आज अपने स्टूडियो में जिस हस्ती को हमने दावत दी है इनकी बेस पर इनके दम पर बिलियन डॉलर इंडस्ट्री खड़ी हुई है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग

लगता है आपका इलाज करना पड़ेगा मतलब हेलो कर्नल साहब अरे क्या कर रही है मैडम आई एम सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था आप तो अभी मैं, आप अपने तलुकत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए आपने अगर आपने मेरे साथ दोबारा बदतमीजी की ना तो मैं अपने स्पेशल क्लाइंट्स को बुला के आपकी फेंटी लगवाऊंगी क्लाइंट्स काफ़ी पहुंच वाले क्लाइंट्स लगते हैं आप क्या सेल करती हैं आप देखें जो गर्ल्स होती हैं ना कुछ भी सेल कर देती हैं ये boys होते हैं जिनको product की लेनी है hmm. हमारे हमारे लिए लिए ही काफी काफी है और और बाकी की 90 उसके लिए हमारी हैं बस आप client को हमारे करा दे। जो बिकवाना हो बेच oh, nice, अच्छा ये कुछ भी बेच देने से याद आया कि मुझे समझ नहीं आती कि ये जो रेजर होता है ना जिससे हम मर्द

यानी कि आपकी अपनी कोई पसंद नहीं अपनी कोई चॉइस नहीं है जिस कैटेगरी की आप सेल कर रही हैं आप उसी को पसंद करती हैं लर्निंग फास्ट ओ आई सी अच्छा एक बात बताएं कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आप जो चूना लगाती हैं इसकी कोई ट्रेनिंग होती है या आप तजर्बे की बेस पर करती हैं कर्नल साहब अरे यार प्लीज क्यों आप मिनट मिनट पर कर्नल साहब को तंग करने रिटायर हो गए बेचारे यार उनको आराम करने दिया मुझे बताए ना मेरी क्या गलती मैंने क्या गलत बोल दिया आप मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यू आर नॉट यूजिंग स्टेटस टर्म्स मतलब मतलब वट इज चूना लगाना आप कह सकते हैं डिसीव करना मिसलीड करना धोखा देना स्कैम करना फ्रॉड करना चूना लगाना साउंड मुझे मैं... ऐसी आई जैसे मैं कोई पान की दुकान खोल के बैठी हूँ चूना लगाना <laughs> लेकिन पान बेचना कोई बुरी बात तो नहीं है बुरी बात नहीं छोटी बात है मुन्ने मैं पान नहीं बेचती मैं निशान बेचती हूँ दुकान बेचती हूँ मकान बेचती हूँ और दा लगे तो इंसान भी बेच देती हूँ oh, wow, जिन नजरों से तुम मुझे देख रहे हो ना तुम्हारे अरमान भी बेच के खा जाओ नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मेरी नजरें तो पाक है पाक है नापाक है बेबाक है या खतरनाक है मैं मर्द की नज़र बड़े अच्छे से पहचानती हूँ oh, तो इसकी कोई ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों मैटर करते हैं सेल्स गर्ल बनने के बाद मैंने टीएमसी का कोर्स किया टीएमसी व्हाट इज टीएमसी थरक मैनेजमेंट कोर्स मैनेजमेंट कोर्स दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग टेल मी मोर अबाउट इट देखिए हमें पढ़ाया जाता है कि चार किस्म के ठरकी होते हैं oh. पहला आंखों की हद तक ठरकी hmm. दूसरा बातों की हद तक ठरकी तीसरा हाथों की हद तक ठरकी और चौथा लातों की हद तक ठरकी ओ oh माय

इनकी डिमांड्स होती हैं ये कहते हैं कि आप जो कहोगे ना हम खरीद लेंगे लेकिन हमारे साथ कॉफी पे ना और अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो साइड विजिट पे चले ना गाड़ी की पिछली सीट पर जोड़ के बैठे ना हमारे साथ सिगरेट पिए ना इस तरह तो आप चेन स्मोकर बन चुकी होंगी नहीं नहीं सेल स्मोकर हूँ जब सेल करनी होती है तो सिगरेट पी लेती हूँ ओ आई सी अच्छा ये फोर्थ कैटेगरी के, के लोग के बारे में था ये ये तोरा तंग करते होंगे ना इनके साथ जरा सेल क्लोज करना टफ होता होगा नहीं यूर आर राइट वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते ओ आई सी कौन लोग होते हैं ही रिमेंबर द गाय जा दादाओं वेट छड़ियां ने ओह oh, यस yes, यस yes. ये तो आपकी कंपनी के अच्छी खासी सेल करवाते होंगे कंपनी के सेल्स का तो कंफर्म नहीं पर सेल्स गर्ल अच्छी खासी सेल करवा जाते हैं oh, I Wanna write? आ, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है कार की बात कर रही हूँ अच्छा एक बात बताएंगे आपका जमीर कुछ नहीं कहता आपको मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता मैं तो आपके अंदर की जमीर की बात कर रहा था <laughs> मैं समझी स्पेशली माई हजबेंड एडिटर

Uh, देखो उमर ये सब कुछ तो होता ही रहेगा मैं कुछ करना चाहती हूँ तुम्हें पता है मैं तुम्हारे स्टूडियो में क्यों आई हूँ पॉडकास्ट के लिए नहीं stupid, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे yes, like वरना मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठी होती ना तो लाखों की डील कर चुकी होती लेकिन तुम्हारे लिए मेरा सारा वक्त हाजिर है <laughs> मैं 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 अब क्या कहूँ आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम हो मैं हूँ दो गवाह हैं नेट से फॉर्म डाउनलोड करो एक सिग्नेचर की जरूरत है और तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे really? <laughs> पेन देना खरीदना पड़ेगा कोई मसला नहीं है आप दस रुपये ले लेना मुझसे उमर ये कोई आम पेन नहीं है ये तुम्हारी और मेरी हसीन तकदीर लिखने वाला पेन है कुछ कीमत तो बढ़ाओ okay, ले तो ना ओके दस हजार रुपये लेना क्या मैं भी तो लाखों में एक हूँ ना <laughs> आप भी ना चले मैं आपको ना चेक काट देता हूँ ये पेन उधारा मिलेगा थोड़ी देर के लिए श्योर sure. ओके okay. अच्छा बस ठीक है अभी वो मैंने अमाउंट नहीं डाली है बस साइन की जरूरत थी अमाउंट मैं खुद ही डालूंगी ओके नो प्रॉब्लम ओ उमर मेरे जिम का टाइम हो गया है हाँ हाँ बाद में मिलती हूँ तुमसे श्योर बाय कोई मसला नहीं हाँ जैसे जैसे जिम तो करनी चाहिए ज़रूरी है आजकल फिट रहने के लिए सर सर, सर। आपका ब्लैक सेट लेके भाग गई वो ओ तेरी ओ तेरी ओ पढ़ो इन्हें